बिना बेले, बिना मैदा, बिना सूजी और बिना आलू के आज हम आधा कप मूंग की दाल से टी टाइम स्नैक्स बनाएंगे, जिसे आप एक महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है आधा कप मूंग की दाल। दाल को हम 3 से 4 बार साफ पानी आने तक अच्छे से धो लेंगे। बच्चों के टिफ़िन में, चाय के साथ में, या फिर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो आप वहाँ भी बनाकर ले जा सकते हैं। बहुत आसान है इसे बनाना और लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने दाल को 3 से 4 बार अच्छे से धो लिया है। अब हम 2-3 गिलास पानी डाल देंगे और कम से कम 1.5 से 2 घंटे तक भीगने के लिए रख देंगे। और ये देखिए, यहाँ पर कम से कम 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं और दाल अच्छे से फूलकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है, दाल को पानी निथार कर मिक्सी जार में डाल दिया है। दाल पीसते समय 8 से 10 कलियां लहसुन के डालेंगे। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप बिना लहसुन के भी यह रेसिपी बना सकते हैं, यह उतनी ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। और ये देखिए, दाल को एकदम बारीक पीस कर यहाँ पर मैंने एक बड़े बर्तन में निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 कप गेहूं का आटा। आटे को पहले अच्छे से छान लें। अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 4 से 5 चम्मच घी डालेंगे। 4 से 5 चम्मच घी में यह रेसिपी कुरकुरी बनकर तैयार होगी। यदि आप ज़्यादा खस्ता बनाना चाहते हैं तो मोयन की मात्रा ज़्यादा डालें, यानी कि 7 से 8 चम्मच आप यहाँ पर घी डाल सकते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच सफ़ेद तिल डालकर सारे सामान को अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये देखिए, दाल के पेस्ट में मैंने आटे को अच्छे से मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा गीला लग रहा है। अब हम 1/2 कप गेहूं का आटा और डाल देंगे। और ये देखिए, एकदम टाइट आटा लगाकर तैयार करना है। आटा गूंथते समय पानी नहीं डालना है, दाल के पेस्ट में ही हमें आटे को अच्छे से मिक्स करना है। और ये देखिए, बाटी के आटे की तरह यहाँ पर मैंने डो लगाकर तैयार कर लिया है। 10 मिनट के लिए ढककर रख दिया था और 10 मिनट बाद ये देखिए, आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार कर लेंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा पूरा जरूर देखें। और यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बिना बेले आज हम यह टी टाइम स्नैक्स बनाएंगे। तो स्नैक्स बनाने के लिए ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज की स्टील की कैची ले ली है। लोई को घुमाते जाएंगे और ये देखिए, इस तरीके से सारे खस्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत आसान है इसे बनाना, बहुत जल्दी भी बन जाते हैं और ये देखिए, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन भी बनकर तैयार होता है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर फटे दूध से दानेदार मिठाई बनाना बताई है, एक बार जरूर ट्राई करके देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। और ये देखिए, हमने टाइट आटा लगाकर तैयार किया था तो बिल्कुल भी खस्ता एक दूसरे से नहीं चिपक के हैं। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया था और ये देखिए, इस तरीके से मीडियम गरम तेल में हम मूंग दाल के स्नैक्स डालेंगे। अभी ये बहुत कच्चे हैं, अभी हम चम्मच से बिल्कुल नहीं हिलाएंगे। और ये देखिए, अब झाग थोड़ा सा कम हो गया है और कच्चापन भी खत्म हो गया है, तो यहाँ पर मैंने चम्मच से अच्छे से हिला दिए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को धीमा कर देंगे और धीमी आँच पर क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। बाहर से कुछ भी सामान लाने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही रखे हुए सामान से और सिंपल मसालों से बहुत ही शानदार टी टाइम स्नैक्स बनकर तैयार है। यदि आप बच्चों को भी लोइया बनाकर दे देंगे तो बच्चे भी बहुत शौक से कट कर देंगे। और ये देखिए, कितना आसान है इसे बनाना। इस तरीके से बिना बेले आज के हमारे स्नैक्स तैयार हो गए हैं और इसी तरीके से हम और भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, आवाज़ से और कलर से भी पता चल रहे हैं कि एकदम कुरकुरे बनकर तैयार हुए हैं। और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच जीरावन मिला दिया है। आप चाहें तो जीरावन की जगह चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में।